कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये तो क्वालिफाई कर लिया, अपनी सीईटी में तो स्कोर कर लिया, सीईटी में आप हो सकता है कि आप 15 गुणा में शामिल हो भी गए तो आप कांस्टेबल नहीं बन गए, कांस्टेबल के लिए आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा बेटा। अब फिजिकल के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ कर पा रहे हो, चेस्ट अगर आपका पूरा है, तो निश्चिंत हो के आप रिटर्न एग्जाम के पीछे पड़ जाओ। बार बार कोई दौड़ आदमी भूल नहीं जाता है, परेशान नहीं होना है उसके लिए। अगर आपने पिछली बार फिजिकल कर लिया था, वेट अगर ज्यादा हो गया तो वेट वगैरह कम कर लो, थोड़ा थोड़ा रनिंग प्रैक्टिस कर लो, बाकी पूरा ध्यान बेटा फिर लगाओ आप रिटर्न एग्जाम के ऊपर। और अगर आपको फिजिकल में डर लगता है, फिजिकल अगर आपने पहले कभी किया नहीं है, तो कुछ गलतियां करके पैरों में दर्द मत करवा लेना, स्टार्टिंग में ध्यान रखना। पहले दिन दूसरे दिन ज्यादा दर्द नहीं होता है, उस समय आदमी जोश जोश के अंदर पूरा 5 किलोमीटर दौड़ता है, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको 1 किलोमीटर से शुरुआत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मैं सारी चीजें लगातार बता रहा हूं, और भी हम आने वाले वीडियोज में भी सब चीजें बता देंगे। आप आराम से यूट्यूब पर वीडियो देख के मुझे फॉलो करके भी आप आराम से अपना 5 किलोमीटर की दौड़ आराम से कर पाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, एक एक चीज आप कर पाएंगे, बस छोटे छोटे चीजों का उसके लिए ध्यान रखना। आपको एक ही दिन में नहीं करना है, रोज 1-1 किलोमीटर शुरू करो, पहले 1 किलोमीटर करो, स्पीड कभी नहीं दौड़ना है आपको, टेस्ट के अलावा बाकी दिन रोज रोज प्रैक्टिस के दौरान तेज नहीं दौड़ना है आपको, धीरे 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 स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी, जब समय लगेगा, दोनों टाइम प्रैक्टिस करोगे, खूब दूध पियोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आराम से करने लगोगे, चिंता नहीं करना है। शुरू में पहले ही दिन अगर कर लेते तो फिर प्रैक्टिस किस चीज की होती है, तो उसको सोच के परेशान भी नहीं होना है, दिमाग पे वजन भी नहीं डालना है, और डरना भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, आप टेंशन मत करिए। अब इसके बाद में होगा कब तक ये, तो देखिए अभी फॉर्म आपके 7 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 7 अगस्त से शुरू होंगे, 27 अगस्त लास्ट डेट होगी, 3 दिन का टाइम इसमें त्रुटि सुधार के लिए दिया जाएगा। अगर कोई गलती आपके फॉर्म में हो जाती है तो कुछ बेसिक चीजें चेंज नहीं होती हैं, ध्यान रखना ये चीज, बाकी कुछ चीजें चेंज होने का ऑप्शन आएगा, वो आप चेंज कर सकते हैं। हो सकता है जिला बटालियन चेंज नहीं हो, वो कुछ ऑप्शन होंगे अलग अलग कि कौन कौन से चेंज कर सकते हो, कौन कौन से नहीं कर सकते हो, तो जो एडिट करने वाले हैं उनके लिए 3 दिन का टाइम होगा, यानी कि अगस्त आपके ऑनलाइन आवेदन में जाएगा। अब उसके बाद में सितंबर का टाइम लगभग तैयारी में लग जाएगा, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, पहले से पता है पुलिस डिपार्टमेंट को कि किस जिले से कितनी वैकेंसी है, उसके लिए कितने लोग फिजिकल के लिए आने वाले हैं। हो सकता है कि इस दौरान जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे और वो ऑनलाइन ही आपके लिए जगह का चुनाव कर चुके होंगे, और सितंबर में आपका फिजिकल के लिए कोई डेट डिक्लेयर की जा सकती है, यानी कि हमारे पास टाइम सिर्फ अगस्त का मान के चलिए कि ये महीना हमारे पास फिजिकल की तैयारी करने के लिए है। सितंबर में कभी भी कराया जा सकता है, जिस स्पीड से काम चल रहा है उसी स्पीड से आराम से, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव से पहले आपको ज्वाइन कराया जाए, आगे ज्यादा प्रोसेस लंबा नहीं है, क्योंकि भीड़ हट चुकी है, अभी सिर्फ क्रीम बच्चे हैं, इनको फटाफट इसमें से निकाल के छांटा जा सकता है। अब इसके बाद में आपको 1 महीने का टाइम सितंबर मानिए, उसके बाद में रिटर्न कब होगा, लिखित परीक्षा कब हो सकती है, तो रिटर्न एग्जाम भी उसके अगले कुछ दिनों के बाद में कराया जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कोई एडमिट कार्ड, कोई टाइम नहीं लगता है, और किसी कंपनी को बस देना है ये टेंडर और वो एग्जाम करा देगी। 53,000 में से जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार 35,000 से 40,000 बच्चे हैं जो रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे, तो 35,000 से 40,000 का रिटर्न एग्जाम कराना कोई बड़ी बात नहीं है, ये संभाग स्तर पर भी कराया जा सकता है और जिला स्तर पर भी कराया जा सकता है, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो अक्टूबर में आपका रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है। दोनों तैयारियों को बेटा बैलेंस करना है, और कभी भी दूसरे की रणनीति का यूज नहीं करना है, दूसरा क्या कर रहा है उसकी नकल कभी नहीं करनी है, मेरी सलाह माननी है तो आप अपने आप से पूछना है कि मेरा फिजिकल कमजोर है तो मुझे क्या करना है, और रिटर्न कमजोर है तो क्या करना है, और दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है तो कैसे करना है, और दोनों को टाइम कैसे देना है, मुझे कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। बस याद रखना, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, और उसके लिए जो ये नाम है आपके साथ RIM, ये पर्याप्त है आपके लिए मंजिल तक आपको ले जाने के लिए, चाहे फिजिकल की बात हो, चाहे आपके रिटर्न एग्जाम की बात हो, चाहे आपके मेडिकल की कोई बात हो, तो आपको किसी तरह से टेंशन के बिना अपनी तैयारी को नियमित रखना है।